ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को शुरू हुई कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा दूसरे दिन रविवार को सहारनपुर के वीर अब्दुल हमीद चौक पर पहुंची। इस यात्रा में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और जफर अली नकवी ने वीर अब्दुल हमीद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद इन नेताओं ने नुक्कड़ सभा को भी संबोधित किया। सलमान खुर्शीद ने कांग्रेस की 7 प्रतिज्ञाओं से जनता को रूबरू करवाया और इस दौरान उन्होंने बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर भी पलटवार किया। कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा आज दूसरे पड़ाव में सहारनपुर के देहात विधानसभा के अंदर है और इस वक्त जो वरिष्ठ नेता हैं सलमान खुर्शीद और जफर अली नकवी साहब, वो इस वक्त इस यात्रा के पड़ाव में सहारनपुर पहुंचे हैं। सलमान खुर्शीद साहब, भारतीय जनता पार्टी सवाल पूछ रही है कांग्रेस से कि जो चुनावी लॉलीपॉप है जो प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी ने की है साहब। अरे भाई, चुनावी लॉलीपॉप तो वो होती है जो चुनाव के बाद पूरी होती है। ये तो हम चुनाव से पहले ही पूरी कर देंगे। 40% हम दे देंगे, नहीं देंगे तो बताएं लॉलीपॉप है, और हम दे देंगे तो फिर अपने सब जो हैं वही चूसते रहें, लॉलीपॉप वो अपनी बना के ले लें। कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पर भी इसको अपनाया जाएगा। कांग्रेस शासित राज्यों में बहुत कुछ हो रहा है। हम चाहते हैं कि हम अगुवाई करें, हम चाहते हैं कि हम उन्हें दिखाएं, हम उन्हें बताएं कि ये संभव है। जहाँ हम बहुत पीछे थे वहाँ भी ये संभव है, तो जहाँ हम मजबूत हैं वहाँ ये संभव तो अवश्य होगा। इस मीटिंग में हमने एक नौजवान महिला को सुना ये कहते हुए कि मैं लड़कर दिखाऊंगी, मैं तैयार हूँ, मैं कंधे से कंधा मिला के आगे चलने को तैयार हूँ। अगर ये भावना रहेगी और ये भावना हमको आगे भी देखने को मिलेगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, तो एक बाढ़ सी आ जाएगी, एक ऐसी उमंग सी आ जाएगी जिसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। धन्यवाद सर। ये थे सलमान खुर्शीद जी, जो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि जो प्रतिज्ञा यात्रा उत्तर प्रदेश में निकाली जा रही है वो एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश के अंदर लेकर जरूर आएगी। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज़ उत्तर प्रदेश।